अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अनस वर्सेस रजब बट जो वाला जो बॉक्सिंग मैच था उससे ने कितना कमाया, क्योंकि अनस अली को चेक्स भी मिल रहे थे वगैरह वगैरह। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए। मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और मैं ऑनलाइन काम पर पैसे कमाता हूँ और मैं लोगों को भी सिखाता हूँ। ज़ुल्करैन सिकंदर ने जब मेरे चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और लोगों ने कहा अनस भाई आप तो बिजनेस मैन है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों उस पर आ रहे हैं, तो आप तो बिजनेस मैन आप क्यों एक चैलेंज एक्सेप्ट करें, आप क्यों बॉक्सिंग में आ रहे हैं, आप आराम से ई कॉमर्स करें, शॉपिफाई करें, पैसा कमाएं, करोड़ों जीट्रॉन जीटी आपने ले लिया, आपने कोड एडाप्टर ले लिया, आप क्यों एक मैच में अपने चेहरा ख़राब करेंगे या जो भी, ये सब का मैं वजह बताता हूँ। और क्योंकि मुझे पता था रजत बटन मेरा बॉक्सिंग मैच होता है तो हमें काफ़ी स्पॉन्सरशिप डील्स मिलेंगी, काफ़ी प्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि इट विल बी अ बिग इवेंट और काफ़ी ऑडियंस देखेगी, मिलियंस ऑफ पीपल देखेंगे मैच को। वही हुआ, 1.3 मिलियन लोगों ने सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखी मेरे चैनल पे। उसके बाद जो दूसरे चैनल्स वगैरह थे कम्बाइंड 5-6 मिलियन व्यूज़ मतलब आए हैं, लिटरली सिर्फ यूट्यूब की बात मैं कह रहा हूँ, अगर बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है कि मेरा और रजत बट का मैच हुआ था। इसकी वजह से ब्रांड्स का इंटरेस्ट होना ही होना था, जो कि हुआ, काफ़ी ब्रांड्स का इंटरेस्ट हुआ इसमें। एक तो ब्रांड्स का इंटरेस्ट हुआ, हमें जो विनर था या जो इवेंट वाले थे उन्होंने कमाया फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है, फ्रॉम द विनिंग प्राइजेस। और उसके अलावा सबसे बड़ा मज़े की चीज़ मेरे लिए थी कि यार मैंने कहा कि वाई नॉट मैं ई कॉमर्स करता हूँ अपना, जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है स्पाडा, जिसकी मैंने शर्ट भी पहनी हुई है स्पाडा, क्यों ना प्रमोट करें। तो अगर स्पाडा आप लेना चाहें spadamen.com पे जाकर खरीद भी सकते हैं, नीचे लिंक लगा हुआ है स्पाडा। और जो मेरे स्टूडेंट्स अगर ड्रॉपशिप करना चाहें वो ड्रॉपशिप भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको मतलब आप बेच सकते हो, मेरे स्टॉक मेरा है पर आप चाहो तो बेच लोगे। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब किट पे स्पाडा लिखवा दिया मैंने, बॉक्सिंग मैच में जो रिंग थी रिंग के ऊपर भी स्पाडा लिखा हुआ था आपने देखा होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मेन स्पॉन्सर था, स्पाडा स्पॉन्सर था मेरा क्लोथिंग ब्रांड और वेल्थ यूनिवर्सिटी जो मेरा इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं पैसा बनाना लोगों को सिखाता हूँ, सबसे बड़ा स्पॉन्सर वो था। करोड़ों लोगों ने मेरे बिजनेस को देखा क्योंकि मैं मेन स्पॉन्सर था, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्पॉन्सर्स भी थे जिनके आपने बाकियों के लोगों देखे होंगे, से मुझे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मिली। इतना बड़ा इवेंट पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ, इतना बड़ा इवेंट ऑनलाइन का, ठीक है। उसके अलावा बॉक्सिंग की बात, पूरे बॉक्सिंग जब तक पाकिस्तान बना 1947 से लेकर 2024 तक कभी बॉक्सिंग मैच इस कैलिबर का नहीं हुआ। मिस्टर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का चैंपियन है ना उसका भी मतलब मेरे ख्याल में 100-200 लोग उनका देखने आते होंगे मैच, हमारा मैच करोड़ों लोगों ने देखा था, कहाँ करोड़ों लोग कहाँ 100-200 लोग, जिसकी वजह से बॉक्सिंग वाले बेचारे जो स्पोर्ट्स वाले थे वो कहते हैं हम मिस्टर पाकिस्तान हैं ये हैं वो, हमारा मैच देखते हैं इन लोगों को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारा रूट था, ठीक है। इवन दो रजत भट्ट हार गया पर रजत भट्ट को भी क्रेडिट जाता है, रजत भट्ट की ऑडियंस भी थी, मेरी ऑडियंस भी थी, तो जिसकी वजह से ये इस कैलेबर का मैच हो सका, ठीक है। अभी मुझे वो हर पूरा पाकिस्तान लगा हुआ कॉल आउट करने अनस अली से मैच करना है, मैं क्यों उनके एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रजत भट्ट के साथ मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मुझे पता था व्यूअरशिप मिलेगी, ब्रांड डील्स आएंगी। अब जैसे रहीम परदेसी ने मुझे चैलेंज किया वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये छोटे मोटों को क्यों मैं एक्सेप्ट करूँ। और जो रहीम परदेसी वाला है वो इंशाल्लाह मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, माय रिस्पांस टू रहीम परदेसी। और जो दूसरे हैं ये जो छोटे मोटे मुझे चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये करोड़ 2 करोड़ देते हैं फिर मैं लड़ूंगा, उसके अलावा नहीं लड़ूंगा, मेरा टाइम कीमती है। अब चलें टू द पॉइंट कि मैंने कमाया कितना इस मैच से, मैं सर विनिंग प्राइस बताता हूँ आपको। जो विनिंग प्राइस थे मुझे सोल सिटी की तरफ से प्लॉट मिला, ठीक है, 5 मरले का 50 लाख उसकी बर्थ लगा लें, ठीक है। उसके बाद मुझे 30 लाख का विनिंग प्राइस मिला अरेबिक मंदी से, 30 लाख का विनिंग प्राइस मिला लेजेंड ऑन व्हील्स से, 30 लाख का मिला क्यूब पैलेस से, ठीक है। इसमें से कुछ मेरे दोस्त की कंपनीज भी थी, उन्होंने विनिंग प्राइस रखे हुए थे, ठीक है, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। उसके अलावा जो दूसरे कंपनी थी उन्होंने भी प्राइस दिए हुए थे, मरकज़ ऐप जो है मरकज़ ऐप ने भी हमें स्पॉन्सर किया हुआ था, एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे विनिंग प्राइस मिल गया, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनका ब्रांड मार्केट में आ गया, जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका। तो 1.5 crore मैंने कमाया 1.5 crore 12 मिनट के अंदर, ठीक है, 12 मिनट का राउंड था। इतना बाबर आजम भी नहीं कमाता होगा एक मैच से, ठीक है, एक मैच की बात कर रहा हूँ, 12 मिनट में भी नहीं कमाते ना शाहीन शाह जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, आई डोंट थिंक 12 मिनट में किसी स्पोर्ट्स मैन ने कमाया होगा 12 मिनट में 1.5 crore। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाया अपनी हार्डवर्क की वजह से। तो अब समझ आई कि अनस अली ने क्यों एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आई कैन मेक गुड मनी। 12 मिनट में क्या किया मैंने, जीत भी गया, इज्जत भी मिल गई, मैच भी जीत गया, पैसे भी आ गए, ब्रांड्स की प्रमोशन भी होगी, विन विन सिचुएशन। और अभी भी लोग कहते हैं अनस अली कोर्स बेच के पैसे कमाता है, पैसे कमाने के बड़े मेरे पास तरीके हैं, अल्लाह की ज़्यादा अगर नहीं चाहेगी तो मुझे 1.5 crore क्या, मैं 1.5 लाख भी 12 मिनट में ना कमा पाऊँ, पर अल्लाह की ज़्यादा मुझे देने वाली है, अल्लाह की ज़्यादा देती है, के अलावा कोई इस दुनिया में देने वाला है। बाकी वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आपको मैंने बताया कि यार देखो 1.5 crore का जनरेट किया 12 मिनट में, उसके अलावा जो ब्रांड्स है उन्होंने भी जनरेट किया, मैंने स्पाडा से एटली 1 crore की सेल जनरेट की ऑन द मैच डे, उसकी ज़्यादा वीडियो भी आ रही है, ठीक है। और भी बड़ी चीज़ें थी और जो दूसरे स्पॉन्सर्स थे उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ,
तो मैं चाहता हूँ कि जब अगला मेरा राहीम परदेसी का मैच हो, आप मेरे जो व्यूअर हैं आपका भी एक ब्रांड बना हो, ताकि आप उस इवेंट को स्पॉन्सर कर सके। जो मेरा स्टूडेंट होगा उसका होता है, मैं उसको विनिंग स्टूडेंट होगा उसका मैं फ्री में डाल दूँ, वो देख लेंगे तब की तब, पर सस्ते में या फ्री में आपको स्पॉन्सरशिप, ताकि आपका ब्रांड आउट हो, आपको प्रमोशन मिल जाए इतने बड़े मैच की। राहीम परदेसी वाला मैच इसे ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों ने एक मैच देख लिया, अभी तो लोगों को लग रहा था मैच होना ही नहीं है, मजाक चल रहा है, पर हो गया ना। राहीम परदेसी वाला नवंबर में है तो और ज़्यादा लोग देखेंगे, उसमें जो ब्रांड्स होंगे, फॉर एग्जांपल एस्पाडा उस इवेंट को भी स्पॉन्सर करेगा जो मेरा क्लोथिंग ब्रांड है। वेल्च यूनिवर्सिटी भी स्पॉन्सर करेगी जो मेरा इंस्टीट्यूट है। मैं चाहता हूँ आपका भी ब्रांड हो, आप भी स्पॉन्सर करें, आपकी आपको भी ऑर्डर्स आएँ। लड़के तो कमा नहीं सकते, पर मैथ में प्रमोशन अपने ब्रांड की करके कमा सकते हैं। तो कैसे करनी है, कैसे सीखना है, कैसे ब्रांड बिल्ड करें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वेल्च यूनिवर्सिटी का मेंबर बन जाओ आप, anasali.com, नीचे लिंक लगा हुआ है, जाओ सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखो। मेरे 15-15 साल के बच्चे हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख महीने का कमा रहे, $30,000 3-3 महीने में उन्होंने कमाया है। लगे हुए हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही वहाँ पे पहुँचोगे आप। अगर आप भी पहुँचना चाहते हो वहाँ, ठीक है, आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फिर बता रहा हूँ, कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में। अगर है तो मुझे बताओ, अगर आएगा भी तो मैं आऊँगा साथ। फिलहाल देयर इज़ ओनली वन वे to escape the rat race, escape to 9 to 5, that is e-commerce। market में हर चीज़ का time होता है, अभी time है e-commerce का। e-commerce is the only way जिससे आप अच्छा पैसा बना सकते हो। आप अपनी जो rat race है, cycle है, poverty है, गुर्बत है, उसकी chain तोड़ सकते हो सिर्फ e-commerce से। और वो moment जो time है, time of implementation, आप miss कर दोगे अगर आप सही time पे नहीं सीखते और सही time पे start नहीं करते। इस video को देख के जल्द से जल्द start करो, अदरवाइज ये मोमेंट निकल जाएगी, फिर आप बेटर होगे दोबारा। तो अभी टाइम है, टाइम जल्दी करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो गेट अ मेंटोरशिप फ्रॉम मी और समवन एल्स। अगर पैसे नहीं है तो मेरा यूट्यूब पे फ्री कोर्स है। पर फ्री कोर्स है मसला क्या है, अगर आप फ्री कोर्स से सीखते हो कुछ चीज़ें, आपको टाइम लग जाएगा 3-4 महीने उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, तो आप जो मेन एलिमेंट है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो मिस कर दोगे और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो सी यू गाइस इन द वेल्स यूनिवर्सिटी बाय anasali। टाटा बाय बाय। 1.5 करोड़ तो नहीं कमा पाओगे 12 मिनट में, 1.5 लाख तो 12 मिनट में कमा लोगे। 1.5 लाख भी बहुत होता है, 12 मिनट में कैलकुलेट कर लो, मल्टीपल मल्टीपल। अल्लाह हाफिज़।